Hey my cuties, welcome to my channel. Today in this video I will review on Everyouth walnut scrub which is very affordable and suits to every skin tone. तो गाइज इसका मैं रिव्यू करने जा रही हूँ. मैंने इसी को क्यों लिया मैं बताऊँ. इसको इसका बेनिफिट किया वॉलनट. वॉलनट की तो आपको स्पेशलिटी जो इसकी जो खासियत हो तो पता होगा. ये बहुत सी हमारे मतलब इसको हम इंटेक भी करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो वॉलनट्स के आपको बेनिफिट्स इतने मिल जाएंगे कि इसको आप इंटेक करते हो तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं. तो इसके लिए ये जो स्क्रब फॉर्म में आता है तो इसका भी जो रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया है. तो आप देखो मैंने ये जो ट्यूब ली है, आप चाहे तो इसमें आपको 10 रुपीज़ के पाउच में आई थिंक 15 या 10 का ऐसे ही होगा वो पाउच ही मिल जाएगा. वो पाउच आपका दो बार मतलब यूज हो जाता है आपकी स्किन में. तो मगर मैंने ये ट्यूब ली है. ये ट्यूब इस तरह की है. इसमें मेंशन है नेचुरल है एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब है. हमारी जो स्किन से रिमूव करता है ब्लैक हेड्स को, डेड स्किन सेल्स को. अब हम बैग में आते हैं तो बैग में मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप के लिए है. तो इसमें डायरेक्शन भी है कि किस तरह से अप्लाई करना है. वैसे स्क्रब करना का जो एप्लीकेशन क्या होता है, आपको स्किन से पहले अपने स्किन को क्लींजर, कोई भी आप जो करते हैं फेस वॉश उससे आपको क्लीन करना है. ये प्रोसेस तो होता ही है क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल है उसे रिमूव करना बहुत जरूरी है. उसके बाद ही स्क्रब अप्लाई करना है. इसमें मेंशन है 2 मिनट तक लगाना है. और गाइज मेरा भी यही मानना है स्क्रब को 1-2 मिनट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके जो ग्रैनुल्स, इसमें जो वो ग्रैनुल्स होते हैं उसको हम अपनी स्किन पर ज़्यादा मसाज नहीं कर सकते. डेलिकेट होती है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा और बहुत सेंसिटिव होती है. तो मैं अपनी स्किन पर तो इसको हार्डली 1-2 मिनट ही करती हूँ और उसी में रिजल्ट इसका मिल जाता है. बाकी जब मैं इसको डेमो दिखाऊंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी इसको यूज़ कैसे करना है. इसका जो कलर है सनसेट येलो निकलेगा और चिल्ड्रन से इसे दूर रखना है. इसमें सब कुछ मेंशन है और इसका MRP दे रखा है 160. तो 160 में आपको इतनी अच्छी ट्यूब मिल जाती है और ये तो आई थिंक बहुत टाइम तक चलेगी. स्क्रब का जो अब क्वेश्चन ये आता है हमारे मन में, हमें स्क्रब कितनी बार करना चाहिए. देखो आप स्किन पे डिपेंड भी करता है. आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको 10 डेज में एक ही बार करें मेरा मानना है. आप इसको इसमें मेंशन वैसे ही कर रखा है कि 2 से वीक करना है, वीक में 2 बार करना है. मगर आप 1 बार भी करते हैं तो इनफ है वो स्क्रब का. स्क्रब को 1 बार वीक में अच्छी तरह कर लीजिए, उसी से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. और ट्रस्ट मी गाइस, जो भी ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, उसको तो रिमूव करता ही है. प्लस आपकी स्किन में एक अलग सा ग्लो भी आ जाता है, डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है. तो गाइज इसको यूज़ करने से पहले क्या आपको प्रिकॉशन करने, बाद में क्या करने, वो डिपेंड करता है. फिर उसी से आपकी स्किन जो अच्छी बनी रहती है. ये हमारी स्किन को इवन करता है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड भी रिमूव करता है, हमारी स्किन को ओरिजिनल टोन देता है. तो गाइज बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, बहुत यूज़ करने के बाद ही मैंने आपसे इसको शेयर किया है. तो चलो इसका एक बार डेमो देख लेते हैं. इसको यूज़ करने से पहले आपको कैसे इसको अप्लाई करना है. तो इसको यूज़ कैसे करना है, या इसको कोई भी स्क्रब करने से पहले अपने फेस को स्टीम कर ले, उसी से आपको फ़र्क अपने फेस पे नज़र आ जाएगा. तो मैंने क्या किया, टॉवल को थोड़ा सा ना जैसे कोई बाउल ले लो गर्म, उसमें करके बिल्कुल स्क्वीज करके अपने फेस पे ऐसे लगा लो. उसके बाद में स्क्रब मैंने लिया और नोज़ पे लगाया, चिन पे पहले लगाया, सर्कुलर मोशन में मसाज की. 1-2 मिनट तक ही मसाज करना है, इनफ है गाइज. इसे ज़्यादा मत करो, स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव होती है. उसके बाद रनिंग वाटर से क्लीन कर लिया और अपना मॉइस्चराइजर लगा लिया. कभी कभी मैं स्क्रब के बाद फेस पैक भी लगा लेती हूँ, फिर मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ. बस तरीका इसका ये है, अफोर्डेबल है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ. तो गाइज आपकी जितने भी ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, उसको भी काफ़ी हद तक रिमूव करेगा और आपकी स्किन को एक बार इवन बना देगा. तो गाइज जरूर ट्राई कीजिए, बहुत बेस्ट स्क्रब है.